श्री राम सेवक मंडल एवं श्री हरबंस लाल काकड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट और पावन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट जलंधर इकाई के सहयोग से दीनदयाल उपाध्याय नगर पार्क में 3 दिवसीय संपूर्ण श्री कृष्ण प्रवचन का आरंभ हुआ, जिसमें श्री गुरु पवन सिन्हा ने अपने प्रवचनों के माध्यम से सभी को कृतार्थ किया। इस अवसर पर पार्षद अश्विनी भंडारी, महेंद्र पाल, योगेश बांसल, भूपिंदर मेहता, पवन शर्मा, राकेश महाजन, बलदेव राज आहूजा, मोनिका गांधी, मनोज गांधी, नीरज मदन, दीप सिंह, जेसी अरोड़ा सहित अन्य प्रभु भक्त भी मौजूद थे। कि हम अपने ईश्वर को समझे बिना पूजा कर किसकी रहे, हम सुबह शाम दिया बत्ती किसके सामने घुमाते हैं, और यही कारण है चूंकि हमसे पूजा करनी नहीं आती इसलिए ईश्वर हमारे दुख भी नहीं हरते। हम मंदिरों में जाते हैं पुण्य के लिए लेकिन पाप हाथ लगाते आते हैं। हम घर में बैठते हैं, पूजा करते हैं पुण्य के लिए, सौभाग्य के लिए, लेकिन ना पुण्य मिलता है इस शरीर की पूजा से और ना सौभाग्य मिलता है। मैं आपको कलयुग की एक कथा भी सुनाऊंगा, आपको वह सुन के और स्पष्ट होगा कि हम गलत पूजा करते हैं। इसलिए मेरा यह संकल्प है, पावन चिंतन धारा इस आश्रम का जिसका मैं भी एक सदस्य हूं, इसका यह संकल्प है कि दंडनाओं से बाहर आएंगे, ईश्वर के सही स्वरूप को समझेंगे, ईश्वर के लॉजिक को समझेंगे, ईश्वर के होने को समझेंगे। हम क्यों हैं, हमारा इस धरती पर अवतरण क्यों हुआ, हम किसकी संतान है, हम कहां से आए हैं, हम उत्पन्न हुए कैसे, उत्पन्न होने से पहले हम क्या थे, इन विषयों को बहुत गहराई से समझेंगे, तब जाकर हम अपने ईश्वर के साथ न्याय कर पाएंगे और तब जाकर कहीं पूजा हो पाएगी।